ये देखो गाइस, अंकुश सो रहा है, वो मेरा भाई है रजत, वो उसके पैर दाब रहा है। कितना प्यार करता है अंकुश को, कि कल थक गया था तो इसलिए उसके पैर दाब रहा है। अंकुश ने बोला भी नहीं और वो दाबने लगा। मतलब क्या सोचती है पब्लिक, ऐसा सारा सबको मिले। अंकुश खाओ बेटा खाओ, अकेले अकेले। सुबह के 8:30 हो रहे हैं और सो के उठते हैं लोग, भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन ये कहता समोसा समोसा समोसा, खस्ता के थोड़ी समोसा जलेबी। अब खाना खिला है रहे हैं भैया अभी, लेकिन एक चीज़ याद रखना बेटा। पूछो क्या, 34 दिन रह गए। ये देखो माजा कहाँ छुपा रखी, पापा को नहीं दिखाऊंगा मैं, पूरा इंडिया देखेगा। हेलो गाइस, तो अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा हॉस्पिटल पापा के लिए नंबर लगवाने, क्योंकि कल पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तो इस वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया और एडिट भी नहीं कर पाया। इसलिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वीडियो लेट आ सकती है, 9 बजे की जगह 2 बजे आ सकती है दोपहर में, तो प्लीज़ कॉरपोरेट कीजिए। तो अब जा रहे हैं पापा के लिए नंबर लगवाने हॉस्पिटल में। कल तो पापा का जहाँ एक्सीडेंट हुआ था तो हाथ में चोट लगी थी, तो सरकारी हॉस्पिटल में उन्होंने पट्टी अट्टी कर दिया, बट आज पापा फिर से अपना चेकअप करवा रहे हैं अच्छे हॉस्पिटल में। तो गाइज ये वो हॉस्पिटल है, GLP हॉस्पिटल, जहाँ पे आप 300 रुपये की पर्ची जब तक नहीं कटवाएंगे, आप चाहे मर जाओ लेकिन ये पर्ची इलाज नहीं करेंगे। मैं अपना पर्स भूल गया था लेकिन इन्होंने पर्ची नहीं काटी, कह रहे पहले पैसे लेके आओ। मज़ा नहीं आया यार। तो गाइज आज हम यहाँ से सैंडल ख़रीद रहे हैं स्वाति के लिए। तो गाइज कल सैंडल रह गई थी स्वाति की, तो आज सैंडल लेने आए हैं। सिर्फ सैंडल रह गई, उसके बाद स्वाति मेरे को शॉपिंग करवाएगी, फिर मैं स्वाति की वाट लगाऊंगा। मतलब अब इतनी ऊंची ऊंची हील की पहनोगी, दो दो ढाई ढाई इंच की तो हील है ये। कितने, 2 इंच की है। अलग चीज, अलग लुक भी देती है, बहुत प्यारा सैंडल चीज सही रहेगा। आप उचक कर रहे हो क्या? उचक रहा हूँ, ये लो, ये सैंडल पहन के भी मेरे कान के नीचे तक आ रही है। इतनी बड़ी हील होने के बाद भी कह रही है इससे बड़ी और हील दिखाओ। हील मांग मांग के परेशान कर रही है, मेरे को एक हील दिखी है जो स्वाति तब भी मेरे बराबर नहीं आ पाएगी। मैं आपको हील दिखाता हूँ भैया, इस साइज की हील अगर मिल जाए ना मज़ा आ जाए। स्वाति जिसको भी लेनी है यहाँ से ले लो, बेहतरीन सैंडल है। देखो स्वाति और मैंने यहीं से लिए, ये देखो सामने खड़े हैं, बहुत ही बढ़िया कम प्राइस है, भैया ने हमसे तो पैसे लिए ही नहीं है बिल्कुल भी। अब शॉपिंग की बारी मेरी, अब मैं यहाँ से खरीदूंगा अपनी शेरवानी और स्वाति की लगाऊंगा वाट। ये शेरवानी देखी है मैंने अपने लिए BR गारमेंट्स की शॉप से। एक दो और दिखा दो भैया, सही है। कितने की है? 10,000 की। अरे 10,000 तो नॉर्मल है, कोई बात नहीं। अब पापा दिलवा रहे हैं ना मेरे को। तो गाइस हमने शेरवानी पसंद कर लिया, पापा को लेके आएंगे और ख़रीदेंगे। स्वाति से बस मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ का फ़ायदा है कि वो कभी होटल रेस्टोरेंट में खाना खाने की शौकीन नहीं है, नुक्कड़ पे कहीं से भी समोसे खा लेती है, बस इस चीज़ से मेरे को बहुत फ़ायदा है। तो गाइस गर्मी बहुत है और अब हमने सोचा है कि बाइक पे घूमते घूमते थक चुके हैं, तो स्वाति मेरे को कार दिलवा रही है शादी में। तो कहाँ चलोगे, महिंद्रा या हुंडई? स्वाति कह रही है कहाँ चलोगे, महिंद्रा या हुंडई? तो मेरा सिर्फ एक ही आंसर है, जहाँ एसी तेज हो। तो ये हुंडई का शोरूम है, यहाँ पे गाड़ी पता करने चल रहे हैं हम। तो ये शोरूम है गाड़ी का, अब इसमें देखते हैं स्वाति को कौन सी पसंद आ रही है। स्वाति कौन सी पसंद आएगी बताओ, तुम्हें जो पसंद आ जाएगी वो ले लूँगा, बताओ। देखो अरे तो आई हो तो लेने ही आई हो ना। अच्छा तो
तो गाइस ये वाली गाड़ी पसंद आई हमें, 7 लाख के समथिंग की ये गाड़ी। गाइस हमको कार पसंद आ गई ये वाली, और हम बुकिंग अभी करवाई नहीं है, बुकिंग करवाने आएंगे 10 तारीख को। तो गाइस अंदर तो हम मज़े ले लिए हमने एसी के, लेकिन गाड़ी हमें सच में पसंद आई है, ऐसा नहीं हम गाड़ी सच में देखने गए थे। और बुकिंग हम 10 तारीख को करवाएंगे और 14 तारीख को डिलीवरी करवाएंगे अपने गार्डन में डायरेक्ट, जहाँ पे हमारी शादी होगी। तो कैसी लगी आपको वो गाड़ी बताइए, 7 लाख की है यार, साथ ही दिलाओ ना। हाँ चलो, हाँ चलो, तो ऐसे कह रही हैं 10 रुपये पड़े हैं गोलगप्पे खिलाने के। अंजलि स्वीट्स हाउस, ये डब्लू कहाँ जा रहा है इसका। गाइस हमने गाड़ी बुक कर दी है, इसलिए हम मिठाई लेने आए थे अंजलि स्वीट्स हाउस इटावा से, बहुत बढ़िया फेमस शॉप है ये साबितगंज में। तो ये देखिए इतने रंग बिरंगी मिठाइयों के बीच में स्वाति ने बेसन के लड्डू खरीदे अपने लिए। तो खाना खा रहे हैं हम लोग, खाना खाने का टाइम हो गया है, आ जाओ खा लो। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ अपनी बुआ जी के घर अरवा कटरा, देखो बेचारी कितनी सैड है। तुम जा रही, जब भी किसी को भेजते हैं तो खुशी होकर भेजते हैं, वो देखो दीदी। टाटा टाटा, अभी आ जाऊंगी परसों। हाँ परसों आ जाऊंगा, एक दिन वहाँ पे मेरे बुआ जी का जो लड़का है उसका बर्थडे है, तो इसलिए जाना पड़ेगा। एक दिन के लिए जा रहा हूँ, फिर आ जाऊंगा। हैं रोने का नहीं है, ए रोने लग गई, रोने लग गई, रोने लग गई। तो भैया इतना मज़ा आ रहा है मेरे को, इतनी खाली रोड है और कोई कह सकता है ये गांव वाला एरिया है। ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, उसके बगल में ये रोड जा रही है सर्विस रोड, इतनी साफ रोड आया है, मज़ा आ गया। स्पीड दिखाता हूँ मैं आपको, देखो 60-65 की स्पीड में चला रहा हूँ, ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, नॉर्मल स्पीड है। और ये आ गया हूँ मैं गाँव में, ये देखिए 20 की स्पीड में, ताकि कोई यहाँ से जानवर ना निकल जाए। ये देखो कितना बढ़िया मौसम है, अह गाँव की बात ही अलग है, क्या बात है। लेकिन भैया आज मज़ा आ गया बाइक चलाने में, इतनी खाली रोड, मज़ा आ गया। कोई कह सकता है कि गांव की रोड थी, ऐसी रोड है दिल्ली में भी नहीं होती। आ चुका हूँ तो भैया बैतपुर में आ चुका हूँ, ये नीली वाली झोपड़पट्टी से दिख रही है, यही है मेरे फूफा जी का घर, चलते हैं हम घर। ये देखो ये है शिवा सक्सेना, इसका कल बर्थडे है। कितने साल के हो गए तुम? 19 साल के। अरे यार गाइस मेरा ही बर्थडे है गाइस में। गाइस ये देखो कितना बड़ा मेंढक है, ये मैं डर गया मेरे हार्ट पर यार, मुड़ मत भाई, इसको जूम करके देखता हूँ। ओए हाय हाय हाय, आंखें देखो कैसे चमक रही है, मैं तो एकदम से मेरा पैर रखने वाला था, मैं घबरा गया। काय सिवा, तो गाइस अब खाना खाने का टाइम हो गया, मैं और फूफा जी खाना खा रहे हैं, आज फूफा जी ने बनवाए अंडे, और अभी ठंडे ठंडे पानी में नहा के निकला हूँ मैं एकदम मछली की तरह। हेलो गाइस, तो रात के बज रहे हैं 11, और अब मैं वीडियो एडिट करने वाला हूँ, और मैं अपने गांव में हूँ भाई के साथ, इसका कल बर्थडे है, और छत पे लेटे हुए हम रात के टाइम, मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और अभी तक तो मैंने बहुत दबा के खर्चा किया स्वाति के ऊपर, लेकिन अब बारी स्वाति की है, मैं वापस इटावा जाके शेरवानी खरीदने वाला हूँ, कार खरीदने वाला हूँ, स्वाति दिलवा रही है मेरे को। अगर मैंने 40,000 खर्चा किया तो स्वाति करेगी 4 लाख। तो कैसी लगी वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, लव यू ऑल।